विशाल शर्मा चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ व्यापार को बढ़ाने का तरीका। व्यापार को कैसे बढ़ाएं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के ज्योतिष उपाय, अपनी दुकान को चलाने के ज्योतिष उपाय। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अपने कारोबार में तरक्की कैसे लाएँ तो आज की ये वीडियो आपके लिए बनी है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। देखिए दोस्तों, हर एक छोटा मोटा बिजनेसमैन या फिर बड़े कारोबार को करने वाला यही सोचता है कि मैं अपने व्यापार को और ज़्यादा कैसे बढ़ाऊं। ऐसे में दोस्तों, अगर आपने भी अपने एक नए बिजनेस की शुरुआत करनी है या कर चुके हैं, आपके बिजनेस में रुकावट आ रही है और आपके कारोबार में कुछ भी नहीं चल रहा है, ऐसे में अपने व्यापार को कैसे बढ़ाएं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों अपने व्यापार में तरक्की कैसे हासिल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके भी कारोबार में तरक्की ना हो रही हो या फिर लाभ ना मिल रहा हो तो आपको इस उपाय को अपनाकर व्यापार में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन उपायों से आपको व्यवसाय नौकरी में आ रही समस्याएं भी दूर होंगी। तो देखिए आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपका काम किस प्रकार से बनता है इसके बारे में आप जान सकते हैं। देखिए दोस्तों, हर रोज एक नई दुकान या नया शोरूम खुल तो जाता है लेकिन बहुत जल्द उस पर ताले भी लग जाते हैं। इसके साथ दोस्तों आपको वास्तुशास्त्र पति होनी चाहिए अपने व्यापार को खोलने से पहले या करने से पहले, क्योंकि दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को ज्योतिष तरीकों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो दोस्तों आपके बिजनेस में रुकावट आ सकती है। देखिए नंबर एक आता है, व्यापार ठीक ना चल रहा हो तो क्या करें। यदि आपके व्यापार ठीक ना चल रहा हो तो शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन एक उपाय आपको कर लेना चाहिए। आपको केवल अपने व्यावसायिक स्थल के दरवाजे के बाहर की और दोनों ही तरफ दोस्तों गेहूँ का एक एक मुट्ठी आटा डालना है और ध्यान रहे कि उपाय लगातार आपने क्या करना होता है, एक माह 11 दिन तक करना होगा। इस उपाय में लाभ होने के योग बहुत ज़्यादा होते हैं और दोस्तों इसमें सफलता मिलेगी। आपके बिजनेस में आ रही रुकावटें, अगर आप ग्राहकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं अपनी दुकान में तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। नंबर दो आता है, यदि व्यापार में दिक्कतें आ रही हों तो क्या करें। अब दोस्तों यदि व्यापार में कोई समस्या आ रही है तो आप किसी ऐसे कारोबार में सफल व्यापारी के यहाँ से दोस्तों शनिवार के दिन कोई लोहे की वस्तु अपने यहाँ लेकर आएँ। इसके बाद आपको अपने व्यापार स्थल पर किसी भी जगह हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद उस पर थोड़े से काली वाले साबुत उड़द की दाल रखें और उसके ऊपर वह लोहे की वस्तु रखें जो आप व्यापारी के यहाँ से लेकर आए थे। इसके बाद आपको दोस्तों व्यापार में तरक्की की देखिए कैसे रास्ते खुलते हैं आपके, बहुत ही ज़्यादा ये खास उपाय था। अब नंबर तीन आता है, व्यापार कारोबार में नुकसान हो रहा हो तो क्या करें। यदि आपके व्यवसाय में लगातार कोई नुकसान हो रहा है या फिर हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, अब अपने दोस्तों इस कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने वजन के बराबर अपने कच्चा कोयला लेना है, उसको शनिवार के दिन बहते पानी में इसे भाग कराना। व्यापार में आ रही नुकसान जो आपको मिल रहा था वो अब दोस्तों लाभ में बदल जाएगा। बहुत आसान उपाय था, उम्मीद करता हूँ इस उपायों से आपको फ़ायदा भी होगा। अगर आप किसी प्रकार की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपकी समस्या के लिए हम हर वक्त तैयार। आज की इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना।